भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। सनातन धर्म का मतलब ही है जो कि सनातन है। सनातन मतलब इटर्नल, यानी बिगिनिंग लेस है, एंड लेस है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 10,000 crore गोपियां, एंड कृष्णा इज डांसिंग विद ऑल 10,000 crore गोपीज। कैन यू डांस? नहीं। और जब लड़कियों को दिक्कत नहीं है, जब गोपियां डांस कर रही है, उनमें से एक को दिक्कत हुई, कोई लड़की कोई गोपी गई हो पुलिस के पास FIR दर्ज कराने के लिए, ये आदमी अंधेरी रात में बुलाता है हमको डांस करने के लिए। बात तो सही है। ए भी गोपी ने FIR दर्ज कराई, कोई सेंस है इस बात की? नहीं कराई ना, तो तुमको क्या दिक्कत? तुमको दिक्कत ये है कि कृष्ण के पास तो 10,000 crore गोपियां हैं, तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है। क्या बोला तूने? कि कृष्ण के पास इतनी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे पास ठेंगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अरे निकालो इस धर्मी को यहां से। तो उसे गोपी वस्त्र हरण लीला को वास्तव में दिव्य ही मानना चाहिए। तो उससे मेरा क्या फायदा? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, देखिए ये जो भागवत है इसमें इस प्रकार के प्रसंग आते हैं कि किस प्रकार से गोपियों को जो है वो बोल रहे हैं, हाथ ऊपर कर रहे हैं, इस प्रकार के गंदे प्रसंग कर रहे हैं शास्त्रों में। देखिए हम तो इसने भागवत को मानते ही नहीं। ऐसे लुखे टपोरी सुअर बुद्धि वाले लोग जिनके जिनके हृदय के अंदर रंच मात्र भक्ति नहीं है। कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता, सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। हम सब जानते हैं इटली की राजधानी क्या है? रोम। ठीक है समरिया, तो बोला रोम का नाम ये रोम कैसे पड़ा यार? लोग हाँ रोम करते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे। वेल, रोम का नाम पड़ा फ्रॉम राम। कैसे कैसे? जिस प्रकार से हम बोलते हैं नासा, नासा यानी नासिका, इसको इंग्लिश में हो गया नोज, आ हो गया ओ, सो राम हो गया रोम, सो रोम। सो वास्तव में रोम का जो नाम पड़ा है श्री रामचंद्र जी के नाम पे पड़ा है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तो इटली में ही स्थान है रोम, और इटली के ही दूसरे एंड पे एक और स्थान है, उसका नाम है रेवेना। ये रेवेना नाम का जो स्थान है बेसिकली ये रावण के नाम पे रखा गया था। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो पहले जो थाईलैंड की कैपिटल थी उसका नाम था अयोध्या, जो कि श्री रामचंद्र जी की अयोध्या से इंस्पायर्ड नाम है। कंट्रोल, कंट्रोल। सॉरी, से ये भी मानना है कि वेटिकन नाम की जो सिटी है, हम जानते हैं वेटिकन सिटी किस चीज के लिए विख्यात है? क्रिश्चियनिटी के लिए विख्यात है, लेकिन एक्चुअली वहां पर भगवान शिव जी का मंदिर था। और ये जो वेटिकन, ये जो नाम है, इट केम फ्रॉम संस्कृत वर्ड वाटिका। कुछ भी, कुछ भी। यही नहीं, अभी और सुनिए। और रशिया वास्तव में किनका स्थान है? रूसी लोगों का। रूसी जो शब्द है वो आता है ऋषियों से। ये सारा एरिया वाज एक्चुअली इनहेबिटेड बाय द सेजेस, साधु संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा। तो ऋषियों का स्थान बन गया बाद में रशिया। बहुत कंफ्यूजिंग, ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे हैं? तो हम आगे जाएंगे इराक से इजिप्ट की ओर। तो इजिप्ट का जो नाम है ये आता है फ्रॉम अजपति। अज वॉज द नेम ऑफ द ग्रैंड फादर ऑफ लॉर्ड श्री रामचंद्र। इजिप्ट के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं सीरिया की ओर। सीरिया और इराक में देयर वाज अ किंग जिनका नाम था दशरथ, हु रूल्ड दीज प्लेसेस 3300 इयर्स अगो। साथ ही हित्ती एम्पायर विच इज कनेक्टेड टू टर्की, वहां पर सिंहद्वार का मेंशन भी आता है। इसी प्रकार से टर्की में क्वीन हुई थी जिनका नाम था गुसलिया, गुसलिया विच इज एक्चुअली कौशल्या। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। म्यूजिक। आसाराम सतपाजी धरी लंका सदा पंडित राम रहे राम पर राधे माए, और जितना देश के धूमी साधु हैं इन सबको मालूम नहीं है कि आइंस्टीन कौन है, डाल्टन कौन है, न्यूटन कौन है, आर्किमिडीज कौन है, गैलीलियो कौन है, रदरफोर्ड कौन है, एडिसन कौन है, ये सब साइंस फाइंस जानते नहीं। ये सब साइंस फाइंस जानते नहीं।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।